गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम नई सेल्फ प्रैक्टिस 8 की जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्स आर ओवर, आपकी कॉपीज जो है वो चेक हो रही है। चलिए जब तक कि हम सेल्फ प्रैक्टिस 8E देखते हैं। इस सेल्फ प्रैक्टिस 8E में जो है वो लीटर और मिलीलीटर का कंसेप्ट आया है। अब लीटर और मिलीलीटर क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि लीटर और मिलीलीटर जो है वो दो मेजरिंग क्वांटिटी है, दैट इज़ जो कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो लीटर जो है वो बिगर यूनिट है और मिलीलीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है। अब लीटर और मिलीलीटर किस चीज़ को मेजर करने के काम में आती है, जैसे लिक्विड चीज़ है, जैसे कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो लिक्विड, जैसे ग्लिसरीन के फॉर्म में गुलाब जल देख सकते हैं आप। नाउअडेज जो भी चीज़ लिक्विड में, दूध इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ द थिंग जिसके थ्रू हम जो है वो लीटर और मिलीलीटर को मेजर करते हैं। लीटर बिगर यूनिट है और मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी यूनिट को जब हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में जो है सेल्फ प्रैक्टिस 8E में एक टेबल दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी एक टेबल दी है। वो टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं करी, बस उसके दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं एंड मैं उसके थ्रू एक्सप्लेन करी। बाकी का वो पूरा पोर्शन जो है वो आपको बुक में ही करना है, ठीक है। मतलब 1 एंड टेबल क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी आप बुक में ही करेंगे। हाउ विल यू गोना डू दिस, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो सबसे फर्स्ट में जो है वो 14 लीटर दिया हुआ है, फोर्थ नंबर पे 14 लीटर दिया है। तो लीटर को नीचे वाले कॉलम में लिखा है मिलीलीटर, मतलब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें अच्छे से पता है जब हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1000 से करेंगे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों 1000 से ही होगा, फाइन। सो नाउ 14 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट इज 14000 मिलीलीटर। आपको मल्टीप्लाई जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि 1000, 10, 100 से मल्टीप्लाई करने पर किस तरह से हम आंसर्स लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 7 वन अपॉन में 2 लीटर। अब यहाँ पे 1 अपॉन में 2 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन में 2 है, दैट मीन्स ये 1000 का हाफ है, ठीक है। अब 1000 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 500, ठीक है। अगर आपको किसी भी गिवन नंबर का, कोई भी नंबर आपको दिया है और अगर आपको उसका आधा निकालना है, मतलब 1/2 निकालना है, तो यू हैव टू बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर टू 2, ठीक है। मैंने जब 1000 को 2 से डिवाइड करा तो मुझे पास 500 आया, ठीक है। सो दैट इज 500। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, जो 1 अपॉन में 2 है उसको मैंने कन्वर्ट करके 500 में लिखा है। क्यों, क्योंकि हाफ लीटर मतलब 500 ml होता है, क्योंकि 1000 का हाफ कितना होता है, 500, ठीक है। नाउ दिस इज 500। अब इस 500 को एज इट इज रख देंगे, 7000 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया प्लस 500, सो द आंसर इज 7500, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए, फाइन। अब इसका उल्टा, आपको मिलीलीटर दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू द मिलीलीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, मतलब आपको स्मॉलर यूनिट को, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट। व्हेन वी कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट, सो वी डिवाइड बाय, वी डिवाइड बाय द 1000, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे होगा, 1000 से। तो 7000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 7 लीटर, ठीक है। जब भी डिवीजन आप अगर 1000, 10 या 100 से करते हैं तो जितने जीरो उसके पीछे दिए हुए हैं और जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी वंस की प्लेस के उतने ही नंबर काउंट करके, जैसे इसमें 3 जीरो है तो यहाँ पे भी 3 जीरो, बट किस साइड से, वंस की साइड से काउंट करके आप उसको रिमाइंडर में डाल देंगे, ठीक है। जो आगे का नंबर रहेगा वो कोएफिशिएंट रहेगा और वही आपका यूनिट रहेगा। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, जीरो, रिमाइंडर जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, 7, तो 7 क्या हो गया, 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट इसी टेबल में दिया, दैट इज 8500 मिली लीटर, फाइन। तो 8500 मिली लीटर दिया हुआ है। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है।
पहले 8500 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो आंसर इज 8 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, और दूसरा तरीका, ये जो 500 है आप इसे 1/2 करके लिख सकते हैं और ये 8 लीटर हो जाएगा। तो ये हो सकता है 8 1/2 लीटर। बोथ आर द वेज आर करेक्ट, फाइन, दोनों तरीके क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अभी तक आपने क्या करा था, सिर्फ टेबल में लिखते आए थे, ठीक है। आप इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना है, किसको, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो CW में सॉल्व होगा, बट इसके पहले जो मैं सॉल्यूशन भेजूंगी वो सॉल्यूशंस आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है, देन आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसका F वाला जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ और C वाला, ठीक है। नाउ द C1 इज 9 लीटर, 9 लीटर को काय में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। तो अभी बताएं कि जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 मिलीलीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो द आंसर इज 9000 मिलीलीटर। नाउ F1, F देख लेते हैं, F है दैट इज 7 लीटर 890 ml, फाइन। तो 7 लीटर है और ये 890 ml है, तो आपको इसको एज इट इज ही रखना है। जैसे हम पुराने जो अभी तक सम करते आए थे जिसमें जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसको हम नहीं टच करते हैं, हम सिर्फ जो लीटर वाला यूनिट है उसको मिली लीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो द सॉल्यूशन इज 7 × 1000, ये प्लस में चलेगा 890, और द आंसर इज 7000 + 890, सो द आंसर इज 7890 ml, फाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सी और ए कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर CW कॉपी। नाउ दैट इज ए दिया हुआ है दैट इज 5000 मिलीलीटर। अब इसमें 3 0 है, तो मैं यहाँ से ऐसे भी बोल सकती हूँ कि 5 लीटर हो गया, मतलब जो बाकी के 3 डिजिट है वो मिलीलीटर में ले लूँ और जो आगे 4th नंबर का डिजिट है वो लीटर में ले सकते हैं, यू कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिखा, 5000 / 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लीटर, ठीक है। नाउ C1 दैट इज 3980 ml, नाउ दैट इज 3980 / 1000, नाउ कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, वंस की साइड से 3 प्लेसेस क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर, तो दैट इज 980 और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3, तो जो क्वेश्चन है वो बिगर यूनिट और ये जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर यूनिट। नाउ सी द डिफरेंस ओवर हियर, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कब करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, जब लीटर से मिलीलीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई और जब मिलीलीटर से लीटर में आओगे तो डिवाइड, ठीक है। सो इसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो है कंपेयर करने का। नाउ कंपेयर करते वक्त इसमें क्या है, कुछ यूनिट्स कन्वर्टेड है, कुछ यूनिट्स कन्वर्टेड नहीं है, मतलब कुछ यूनिट्स आपको मिलीलीटर में दी हुई है और कुछ यूनिट आपको लीटर में दी हुई है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ओवर हियर। मैं पहले लिख लेती हूं, दैट इज ए वाला दिया है दैट इज 5 लीटर 220 ml, ठीक है, एंड हियर इज 5000 220 ml। अब देखो, सी द डिफरेंस ओवर हियर, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर और यहाँ पे मिलीलीटर, ठीक है, मतलब दोनों यूनिट्स में से किसी एक यूनिट को आपको कन्वर्ट करना होगा। चाहो तो आप इसमें कन्वर्ट कर लो लीटर में, चाहो तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, इट्स अप टू यू। मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी ये लगता है कि मैं लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 1000 + 220, सो द आंसर 5000 + 220, सो द आंसर इज 5220 एंड हियर इज ऑल्सो 5220। दोनों साइड पे क्या है, ml, यहाँ पे भी क्या है, ml, दोनों नंबर क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसी पे. अब क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, दैट इज 7,600 ml, ठीक है. एंड नाउ दे हैव गिवन यू 7 liter 600 ml. कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखता जब हम अगर एज ए मैं सिर्फ ऐसा सोचूं कि जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 600 प्लस करूंगी, मतलब आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट एंड दे कैन कैलकुलेट मेंटली, बट इसको करते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. आई शो यू हाउ. मैं जो एम एल वाला है उसको लीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है. तो मैंने इसको डिवाइड करा 7,600 डिवाइडेड बाय 1,000. सो वॉट आई आंसर एलिगेटेड है, मैं इसको भी कंटिन्यूएशन में चला रही हूँ. ओके हाँ, हम इसको यहाँ पे भी इसको लिख लेते हैं. वॉट आंसर एलिगेटेड, वॉट दैट इज 7 liter and 6 ml. यहाँ पे एम एल में 6 है, ठीक है. और यहाँ पर आंसर क्या है, दैट इज 7 liter and 600 ml. यहाँ पे एम एल की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है. यहाँ पे 6 ml है और यहाँ पे 600 ml है, जबकि लीटर की क्वांटिटी क्या है दोनों की सेम है. सो बिगर वन इज, ये इस तरह से सारे क्वेश्चन होंगे एंड आपको किसी भी स्मॉलर या बिगर यूनिट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है. सो ये वाली एक्सरसाइज जो है 8E वो बुक में सॉल्व करेंगे. टिल देन गुड बाय एवरीवन.